सांस रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हरा कर रचा इतिहास। चिता T20 वर्ल्ड कप का एक और शानदार मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 का महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत को देखकर आप भी खुश हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, पाकिस्तान की टीम के सामने भारतीय टीम ने मात्र 120 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस लक्ष्य को भी टीम इंडिया ने डिपेंड करके शानदार व ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में टीम इंडिया के शानदार परफॉर्मेंस को आप 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस महामुकाबले में सिक्का उजाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा बाबर आजम के पक्ष में। बाबर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों देशों की टीमों ने अपने अपने नेशनल एंथम के साथ मैदान में शुरुआत की इस मुकाबले की। तो दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली। दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में शानदार बल्लेबाजी की, जहाँ पर रोहित शर्मा ने सभी 6 गेंदों का सामना किया। और दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने अफरीदी की तीसरी गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार तरीके से फ्लिक शॉट के जरिए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। इसके बाद पहले ओवर में 8 रन बने और उसी के साथ मैदान पर बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते एक बार फिर मुकाबले को रोकना पड़ा। लेकिन दोस्तों, जब बारिश के बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ तो यहाँ पर विराट कोहली ने शानदार शॉट खेला। जब उन्होंने दोस्तों यहाँ पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर नसीम शाह की गेंद को शानदार तरीके से कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नसीम शाह ने शानदार वापसी की और विराट कोहली को यहाँ पर कैच करवा कर पैवेलियन भेज दिया उस्मान खान के हाथों, और बड़ी सफलता यहाँ पर दिला दी पाकिस्तान की टीम को। पाक को ये आज की पहली विकेट विराट के रूप में मिली, जहां पर उन्होंने 3 गेंदों का सामना किया और 4 रन बनाकर वो पैवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर ही रोहित शर्मा ने नसीम शाह की एक और गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का शॉट था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर तीसरा ओवर डालने आए साइन शाह अफरीदी ने एक बार शानदार वापसी की और 4थी गेंद पर पैवेलियन भेज दिया रोहित शर्मा को भी हारिस रॉफ के हाथों कैच कराकर, और दूसरी सफलता यहां पर पाकिस्तान की टीम को मिल गई और टीम इंडिया के कप्तान पैवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा ने 12 गेंदों का सामना किया और 13 रन बनाकर वो भी चलते बने। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी में बदलाव हुआ और अक्षर पटेल नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे। तो दोस्तों, उन्होंने 5वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका यहाँ पर साइन शाह अफरीदी की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए इस बार दोस्तों शानदार अपर कट के जरिए गेंद को उन्होंने सीधे स्टैंड में छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक अद्भुत शॉट यहां पर अक्षर के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 6वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने भी आमिर की गेंद पर एक शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि ये स्लिप में कैच भी हो सकता था, लेकिन उन्हें जीवनदान मिला। इसके बाद एक और जीवनदान उन्हें मिला, लेकिन इसी बीच दोस्तों 6वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद शानदार तरीके से इफ्तिखार अहमद की गेंद पर शानदार चौका अक्षर पटेल के बल्ले से भी देखने को मिला, जहां पर उन्होंने स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की 4थी गेंद पर शानदार तरीके से वापसी करते हुए यहां पर नसीम शाह ने अक्षर पटेल को बोल्ड करके पैवेलियन भेज दिया और पाकिस्तान की टीम को एक और शानदार सफलता दिला दी। नसीम शाह ने शानदार तरीके से अक्षर को बोल्ड किया। अक्षर ने 18 गेंदों पर 20 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके बाद सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक चौका लगाया, लेकिन इसी बीच दोस्तों 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने हारिस रॉफ की गेंद को कवर के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर तीसरी गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की तरफ एक शानदार शॉट खेलते हुए एक और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, जबकि दोस्तों ओवर की 4थी गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने चौकों की हैट्रिक पूरी कर दी और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति के बाद ही 80 रनों के पार पहुंचा दिया और टीम इंडिया मजबूत स्कोर की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी।
लेकिन तभी दोस्तों 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर हारिस रॉफ ने सूर्य कुमार यादव को मोहम्मद आमिर के हाथों कैच कराकर पेवेलियन भेज दिया और पाकिस्तान की टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। यहाँ पर शानदार गेंदबाजी देखने को मिली हारिस रॉफ की, जहाँ पर सूर्य कुमार यादव एक बार फिर फेल होते हुए नजर आए। उन्होंने 8 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे, जो कि नए बल्लेबाज के तौर पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, उनकी पारी को समाप्त किया नसीम शाह ने और उन्होंने कॉटिन बोल्ट करके उन्हें पेवेलियन भेज दिया। शिवम दुबे 9 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 3 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद आमिर ने ऋषभ पंत को भी चलता किया। यहां पर बाबर आजम ने एक आसान सा कैच पकड़ा और ऋषभ पंत इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से 31 गेंदों पर 42 रनों की सबसे शानदार पारी खेलकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा को भी इमाद वसीम के हाथों शानदार तरीके से कैच कराकर पेवेलियन भेज दिया मोहम्मद आमिर ने और पाकिस्तान की टीम को बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं दिला दी। रविंद्र जडेजा गोल्डन डक पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद आमिर की गेंद को ही अर्शदीप सिंह ने मिड विकेट की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। एक लंबे समय के बाद एक बाउंड्री देखने को मिली टीम इंडिया के लिए। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कट के जरिए एक चौका जरूर लगाया, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर हारिस रॉफ ने उनको भी चलता किया इफ्तिकार अहमद के हाथों कैच कराकर और हार्दिक 12 गेंदों पर 7 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह, जो कि पहली गेंद का सामना कर रहे थे, लेकिन हारिस रॉफ ने उनको भी इमाद वसीम के हाथों कैच करवाकर पेवेलियन भेज दिया और जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में वो भी गोल्डन डक पर ही चले और एक बार फिर से बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट टीम इंडिया ने गंवाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने 3 बार 2-2 रन लिए और टीम के स्कोर को 119 रन तक पहुँचाया, लेकिन इसके बाद वो भी 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर रन आउट होकर पेवेलियन लौटे और पूरी टीम इंडिया इस मुकाबले में 19 ओवर में 119 रनों पर ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान की टीम के सामने 120 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम के लिए शुरुआत अच्छी रही। शुरुआती 2 गेंदों पर ही 3-3 रन बनने के चलते उस टीम को स्कोर 6 रन हो गया 2 गेंदों के बाद ही। इसके बाद दोस्तों यहां पर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर शिवम दुबे ने एक के कैच भी छोड़ दिया, जिसके चलते यहाँ पर बेहतरीन शुरुआत हो गई पाकिस्तान की टीम की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की 3री गेंद पर बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका यहाँ पर जड़ दिया जसप्रीत बुमराह की गेंद पर ही और गेंद मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को पहली सफलता 5वें ओवर की चौथी गेंद पर ही दिला दी, जब उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए बाबर आजम को सूर्य कुमार यादव के हाथों स्लिप में कैच करवाकर पेवेलियन भेज दिया। बाबर आजम 10 गेंदों पर 13 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 6ठे ओवर की 3री गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या की गेंद पर रिजवान ने स्टेप आउट किया और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और पावर प्ले का शानदार तरीके से समाप्त किया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी बीच 9वें ओवर की 3री गेंद पर उस्मान खान ने भी हार्दिक पांड्या की गेंद को कवर के ऊपर से चौके के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिजवान ने भी रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को 10 ओवर में 57 रनों तक पहुंचा दिया। अब 10 ओवर में 63 रनों की जरूरत थी पाकिस्तान को, लेकिन तभी दोस्तों 11वें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को एक और सफलता अक्षर पटेल ने दिला दी। यहां पर उन्होंने उस्मान खान को LBW आउट करके पेवेलियन भेज दिया, जिन्होंने 15 गेंदों पर 13 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल की गेंद को फकर जमान ने स्ट्रेट शॉट के जरिए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर टीम के लिए एक बड़ा शॉट खेल दिया। फकर जमान की ये आक्रामक पारी जारी रही और उन्होंने 12वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहाँ पर अर्शदीप सिंह की गेंद पर जड़ दिया और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए भेजा। इसके बाद दोस्तों यहां पर 13वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर फकर जमान को चलता किया शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या ने, लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या के इस गेंद पर उतना ही बेहतरीन कैच ऋषभ पंत ने विकेट के पीछे पकड़ा और फकर जमान की पारी को समाप्त किया, जिन्होंने 8 गेंदों पर 13 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इमाद वसीम के बल्ले से भी एक चौका 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिला। अब 14 ओवर में टीम का स्कोर 80 रनों तक पहुंच गया था। अब टीम को चाहिए थे 36 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 40 रन।
तभी दोस्तों 15वें ओवर की पहली गेंद डालने आए जसप्रीत बुमराह ने पहली गेंद पर बोल्ड करके पेवलियन भेज दिया मोहम्मद रिजवान को और टीम इंडिया को सबसे महत्वपूर्ण सफलता दिला दी, या फिर यूं कहें तो मुकाबले को ही पलट कर रख दिया। 44 गेंदों पर 31 रन बनाकर मोहम्मद रिजवान पेवलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर शादाब खान को भी यहाँ पर ऋषभ पंत के हाथों कैच करवा कर पेवलियन भेज दिया। ऋषभ पंत ने एक और शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर भी पेवलियन लौट गए शादाब खान की हम बात करें दोस्तों तो वो 7 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद इफ्तिकार अहमद थोड़ी देर तक संघर्ष करते रहे लेकिन उनके बल्ले पर गेंद सही से आई नहीं। वो इमाद वसीम के साथ बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते रहे लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से उनके ऊपर शिकंजा कस कर रख दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे इफ्तिकार अहमद भी, और यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा इफ्तिकार अहमद का अर्शदीप सिंह ने और उन्होंने शानदार कैच के साथ ही समाप्त की उनकी पारी और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। इफ्तिकार अहमद की हम बात करें दोस्तों तो वो 9 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेवलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंचा जहां पर भारतीय टीम को आखिरी ओवर में डिपेंड करने थे 18 रन, लेकिन दोस्तों यहां पर पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने इमाद वसीम को चलता किया ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर और भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में और पूरी तरीके से शिकंजा कस दिया। इमाद वसीम ने 23 गेंदों का सामना किया और 15 रन बनाकर वो भी पेवलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की चौथी गेंद पर नसीम शाह के बल्ले से एक चौका जरूर निकला जिसके चलते अब आखिरी 2 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों तभी 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक और चौका निकला जिसके चलते भारतीय टीम की जीत तय हुई क्योंकि अब आखिरी गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी गेंद पर सिर्फ एक ही रन ले पाए यहाँ पर नसीम शाह और टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 6 रनों से जीत दर्ज की। तो दोस्तों भारतीय टीम का ये दमदार परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।